हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि अल्बिनो के एग मैंने रोज़ी को फोस्टर कर दिए थे और रोज़ी के एग मैंने बजीज़ को दे दिए थे और दो जगह मैंने मटकियों में रखे थे एग, तो उसकी अपडेट दूंगा। मैंने आपको बताया था कि आपको मैं इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा कि जब वो चिक्स निकलेंगे बजीज़ के नीचे जो मैंने एग रखे हैं लव बर्ड के, तो वही चीज़ मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या हमारे बजीज जो हैं लव बर्ड के एग को हैच कर सकते हैं और उनके चिक्स को पाल भी सकते हैं। तो आपको मैं लाइव दिखाता हूँ और आप देखिए। चलिए चलते हैं सेटअप के अंदर। तो दोस्तों, चलते हैं कॉलोनी के अंदर। दोस्तों, ये देख सकते हैं आज मैंने साफ़ सफाई करवाई है सेटअप की और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है सब जगह। और ये वाली हमारी बजीज की कॉलोनी भी बिल्कुल साफ़ है और ये आप देख सकते हैं पूरी। और चलते हैं हम बजीज की कॉलोनी की तरफ ही चलते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, बजीज की कॉलोनी में आ गया हूँ और आपको यही अपडेट दूंगा, दिखाऊंगा कि देखिए क्या हमारे बजीज जो हैं लव बर्ड के चिक्स को पाल सकते हैं और उनके अंडों को ठीक तरीके से सह सकते हैं, हैच कर सकते हैं और जो बच्चे निकलते हैं उनको पाल भी सकते हैं। तो मैंने जैसे रोज़ी के अंडे इसमें बजीज के नीचे रखे थे, तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि क्या है इसके अंदर हम मटकी में। तो ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह से देखेंगे आपके ये लव बर्ड के बच्चे हैं तीनों, और ये लव बर्ड के बच्चे निकल चुके हैं और इन्होंने खूब अच्छे से फीमेल ने पाला है। और ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर दो लव बर्ड के हैं, एक ये वाला लव बर्ड का है, दो हैं, चार अंडे थे, दो अंडे ख़राब हो गए थे लेकिन दो बच्चे निकल चुके हैं। तो ये देखेंगे ये दो, ये वाले जो ग्रीन है और एक येलो है, येलो जो इसका रुआ है और ये ग्रीन रुआ है, ये लव बर्ड के हैं और ये बजीज के हैं इसके अपने। तो ये देखेंगे माशाल्लाह बजीज पाल रहा है अच्छे से। और ये रोज़ी वाले लव बर्ड के बच्चे हैं, देखिए जो अंडे थे हमने ख़राब नहीं किए और इनको ज़िंदगी दी, और ये हम अंडे फेंक देते तो ये बच्चे मर जाते, इनको ज़िंदगी नहीं मिल पाती। देखिए खूब कितने अच्छा बड़ा बच्चा कर दिया इसने और दोनों बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और इसमें मैं आपको पिछली वीडियो भी दिखाऊंगा, मैंने एक देते हैं, येलो और ग्रीन जो हैं लव बर्ड के बच्चे हैं और दोनों उसके बजीज के बच्चे हैं। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं हो रही उसको फीड कराने में, बच्चे को पाल रहे हैं अच्छे से। और ये वाला शायद लुटिनो है और एक वाला जो ग्रीन है वो रोज़ी है। तो माशाल्लाह बच्चे भी अच्छे हैं और हेल्थ भी अच्छी देख रहे हैं आप। और देखता हूँ ये कब तक पालते हैं जितने बड़े हो जाते हैं, क्योंकि लव बर्ड का जो चिक होता है उसका साइज़ होता है बजीज से ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसमें ये हो सकता है कि ज़्यादा बड़े बच्चे हो जाएंगे तो उसमें हो सकता है फीड कराने में बजीज को परेशानी हो, वो फीड नहीं करा पाए, तब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है बजीज को, लव बर्ड को, इनको हम बड़े लव बर्ड के बच्चों के साथ फोस्टर करें। जब तक ये खिला रहे हैं जब तक ठीक है। ये प्रूफ हो गया है कि बजीज लव बर्ड के बच्चों को पाल सकता है, अंडे हैच कर सकता है, बच्चों को निकाल सकता है, बच्चों को अच्छे से पाल भी सकता है। और देखिए ये बच्चे तकरीबन 10 दिन के हो गए होंगे, 10 से 12 दिन के, खूब अच्छे से इसको पाला है। और इसकी फीमेल मैं दिखा देता हूँ कौन सी फीमेल है। ये फीमेल, ये पाइड, ये वाली फीमेल है, ये देखेंगे ये वाली फीमेल ये बच्चों को पाल रही है। छोटी सी वीडियो बनाई थी आपको, मैं अपडेट दे दूँ कि बजीज के बच्चे जो मैंने बजीज के नीचे अंडे रखे थे उसमें से बच्चे निकले या नहीं, आपने सोचा हुआ कि क्या पता अंडे क्या हुआ, बच्चों को पाला नहीं पाला। मैंने कमेंट भी देखा था कि आपने कमेंट भी किया था कि हमें ज़रूर इसकी अपडेट दिएगा कि बजीज ने बच्चों को पाला है या नहीं है। आपके सामने लाइव है कि आप देख सकते हैं, प्रूफ है कि बजीज को बच्चे ने, लव बर्ड के बच्चों को बजीज ने किस तरह से पाल रही है। तो यही थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।